हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 21 से 31 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यद्यदासरती श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करश्च च कर्ता स्यामुपहर्यामि महाप्रजा सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसोर्लोकसङ्ग्रह न बुद्धिभेदं जनये यज्ञानां कर्मसङ्गिनां दोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते
तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविलोमन्दान् कृष्णविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्नैर्ममो भूत्वा योज्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्य मनो ते शान्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते ते विकर्मभिः ये मे मतमिदं नित्य मनो ते शान्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते ते विकर्मभिः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 मई सन 1992 को प्रातः 5 स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। सकल शोकदायक अभिमाना
संस्कृति मूल और फूल पद नाना। संसार का मूल जन्म का मूल है और नाना फूल पद तरह तरह के दुख जाने वाला है और सकल शोक दायक, कोई शोक बाकी नहीं रहेगा, सकल शोक दायक अभिमान। ये जो मैपन है इसमें एक दर्प होता है, एक अभिमान होता है, एक मैपन होता है। बाहर की चीजों को लेकर में जमीन है, जायदाद है, मेरे पास धन है, इतने मेरे आदमी है, इनको लेकर जो अपने में बड़प्पन का अनुभव होता है वो दर्प कहलाता है, घमंड कहलाता है। तो दर्प घमंड कैसे, और अपने नजीक में विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसे जो नजीक में जितना है उनको लेकर इसको अभिमान कहते हैं, और मैं हूँ इसको अहंकार कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से स्थूल अभिमान है, अभिमान से स्थूल दर्प है, घमंड है। मूल सबका अभिमान है, मैपन है। तो घमंड और अभिमान तो प्रत्यक्ष में आधी संपत्ति है, पर वहां में ये माया का रूप माना, मैं मोर तोर से ही माया, मैं मेरे की जेवरी गर्भ जीव संसार, दास कबीरा क्यों बजे जाके राम आधार। तो मैं और मेरा है ये माया है, ये बंधन है, इसमें मैपन है, ये खास बंधन है। मैपन है वो विवेचन करने में, पढ़ने में ये आता नहीं है जल्दी, मानो ये लक्षण नहीं आता है, ये इसको दूर कर रहा है। साधन के साथ भी रहता है, असाधन के साथ भी रहता है, दैवी संपत्ति के साथ भी रहता है, आसुरी संपत्ति के साथ भी रहता है। ये मैपन है, ये जल्दी मिटता नहीं है, मिटना तो दूर रहा, मैपन है, ये बंधन कारक है, इसका वर्णन भी स्पष्ट रीति से समझने के नहीं आता, और ये रहता है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेदांत पढ़े, न्याय पढ़े, सांख्य पढ़े, योग पढ़े, पूर्वमीमांसा उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसमें अहंकार रहता है, पढ़ाई में रहता है, ऐसा नहीं। भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, उसमें भी अभिमान रहता है। जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके समाधि लगाते हैं, समाधि में भी अभिमान ऐसा है, मैं ऐसा समाधि वाला हूँ, समाधि निष्ठ हूँ। और मेरी ये दो अवस्था होती है, एक समाहित अवस्था समाधि अवस्था होती है, एक विथित अवस्था होती है। तो दो अवस्थाएं विथान और समाधि दो होती है, ये विस्थान समाधान है, अभी विस्थान है, अभी समाधि है, इसमें भी अभिमान रहता है। मैंने इस जगह पढ़ा है, किया हुआ साधन ऊंचे से ऊंचा हो पर अभिमान को वैसा का वैसा सुरक्षित रखता, जैसे साधन आदमी में अभिमान होता है, जैसे पशु आदि में अभिमान होता है, मैं हूँ ही, वो अभिमान केवल साधन चाहे श्रवण करे, मनन करे, निर्ध्यासन करे, ध्यान करे, समाधि करे, जो कर रहे हुआ साधन, साधन से करना हुआ, उस किए हुए साधन में अभिमान वैसा का वैसा रहता है, जैसा साधारण आदमी रहता है वैसा ही।
और बातें बहुत जानने की बुद्धि से समझने की चेष्टा तो की जाती है, पर जो अभिमान है ये संस्कृति मूल है, ये ख्याल में आता है, मैंपन है, ये इसको दूर करना है, ये लक्ष्य में नहीं आता है, ख्याल में ही नहीं आता, फिर दूर करना कैसे हो। इसको दूर करने से मेरे ममोह मेरे अहंकार सब शांति मति गच्छति। कलयुग में बताया कि निर्मम हो निरहंकार, निर्मम हो जाए और निरहंकार हो जाए तो शांति मिलती है, स्वतः शांति मिलेगी, अहंकार रहते ही परम शांति मिलेगी। निर्मम हो निरहंकार सब शांति मति गच्छति, ये 71वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। 72 में कहते हैं ऐसा ब्राह्मण स्थिति पास, ये अहंकार मिटने पर इसकी स्थिति क्या होती है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति की परमात्मा ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म है, ब्रह्म में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, ब्रह्म है। तो उसमें जो अहम है ये खास संसार का मूल है, अहम। गीता में लिखा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधोः गच्छन्ति तामसा। सात्विक पुरुष ऊपर जाते हैं, राजस मध्य लोग में रहते हैं, तामस अधोगति में जाते हैं। ये तीन तरह का अहंकार होता है, तीन तरह गुण है सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के अनुसार ये त्रिविध अहंकार बताया गया है, भागवत उसका वर्णन आता है। तो ये सात्विक होता है, ऊपर लोगों को ले जाता है, परंतु अपने भुवना लोक का पुनरावास लेना, ब्रह्म लोक तक जाकर के लोग पीछे लौटते हैं, तो वो अहम रहने से अहंकार अगर मिट जाए तो न सिर्फ प्राणाश उत्क्रमण के, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो ऊपर को नहीं जाते न नीचे जाते हैं, उन शरीर से प्राण उत्क्रमण नहीं, वो लीन हो जाते हैं। प्राण पांचों तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना हुआ शरीर है, ये शरीर अपने अपने तत्व लीन हो जाता है, केवल पद की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, तो वह फिर अहंकार नहीं रहता है, और अहंकार नहीं रहते से मुक्ति होती है। अहंकार जब तक रहता है तब तक बंधन रहता ही है, कितना ही आप पढ़ रहे हैं, कितना ही ध्यान कर रहे हैं, कितनी ही समाधि कर रहे हैं, कितना ही चित्त एकाग्र हो जाए, कितना ही चित्त समाहित हो जाए, एकाग्र और निरुद्ध निरुद्ध होने पर भी ये जब तक विवेक से इनको दूर नहीं करते तब तक दूर नहीं होता है। अहम दूर होना दूर रहा, इसके आधार ही साधन होते हैं, जितने साधन करते हैं अहंकार के सहित करते हैं और अहंकार को पुष्ट करते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं, अहंकार को मजबूत करते हैं, जितने किए जाए साधन जितने किए जाते हैं, तो इस अहंकार से रहित होने से शांति की प्राप्ति होती है। तो अहंकार रहित कैसे हो, ये बड़ी कठिन समस्या है, आखिरी घाटी है या हम इसे ठीक पार हो जाते मुक्त है, फिर कोई बंधन नहीं, पर तो मैं इतना जानता हूँ, इतना मैं अभ्यास करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे समझता हूँ, ऐसे मैं समझ देता हूँ, ऐसा मैं व्याख्यान देता हूँ, इतना मैं समझा देता हूँ, ये अभिमान वैसा का वैसा रहता है, जैसे खाता हूँ पीता हूँ धनवान हूँ बुद्धिमान हूँ आदि रहता, वैसे ही ये साधन करने वाले हैं, उस अभिमान में फर्क नहीं पड़ता है, अभिमान वैसा का वैसा ही रहता है। ये दूर करने से निर्गुण होने अहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति होती है। तो ये दूर कैसे हो, इसे थोड़ा सा ध्यान में, सबसे पहले अहंकार अपने को यूं दिखता है कि नहीं, दूर करना तब होगा जब ये हमारे जानने में आ जाए। तो जानने में आना कोई कठिन नहीं है, आप जहाँ जानना चाहे तो मैं हूँ
ये सबके अनुभव की बात है। कोई भाई बहन पढ़ा लिखा चाहे अपढ़ बिल्कुल मूल, वो भी मैं हूँ। कुत्ता और गधा भी मतलब मैं हूँ। ये गाय भैंस भेड़ बकरी भी सब मैं है, मैं हूँ। स्थावर में उतना प्रतीत नहीं होता पर सब मैं हूँ। ये अपना होनापन है, होनापन के साथ ही मैंपन है। ये मैंपन रहता है। तो प्रार्थना ये है कि इस मैंपन को प्रथम देखें, मानो ज्ञान के द्वारा इसको समझ कि ये मैंपन है। अपने में जो एक देशीपन दिखता है, मैं ये हूँ ऐसा, कि एक देशीपन में मुख्य मैं हूँ, मैं है। अपने अपने ख्याल करो कि मैं दिखता है कि नहीं। आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से विवेक से दिखता है कि मैं हूँ। बुद्धि से दिखता विवेक मैं हूँ। और विवेक करते ठीक गहरा विवेक करते है तो मैं और हूँ ये दो हो जाते हैं। वहाँ अविवेक से मैं हूँ एक रहता, एक दिखता है। पर विवेक किया जाए तो ये मैं हूँ दो हो जाते हैं। मैं प्रकृति का अंश है, हूँ परमात्मा का अंश है। हूँ नाम सत्ता है और मैं नाम अहंकार है। भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है। इसी यम में भिन्ना प्रतिष्ठा अपने यम, ये अपना प्रकृति अहम। और जो हूँ है वो जीव भूता माँ बस, वो जीव रूप है, वो परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति चेतन प्रकृति है। और ये मैंपन है, ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो इसका अनुभव आप करें तो हरेक भाई बहन कर सकते हैं कि मैं हूँ अपना होना पर। तो मैं और हूँ ये दो करने पहले, दो हूँ अलग है, मैं अलग है। मैं है ये है, मैं हूँ ये है त्रिजड़ ग्रंथि। हूँ है चेतन, मैं है जड़, ये मिला हुआ है, ये ग्रंथि है। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिन नहीं। है झूठी गांठ चेतन की जड़ की होती नहीं, झूठी है परंतु ऐसी है कि छूटनी कठिन हो गई है। तो सबसे पहले ये अनुभव होना चाहिए कि मैंपन है, मैं जानकार हूँ, ये अभिमान है। ऐसे मैं न जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो जानता हूँ नहीं जानता हूँ, ये दोनों में अभिमान वैसा का वैसा ही है, इसमें फर्क नहीं है। जानता हूँ उसमें बुद्धि के ज्ञान को साथ में मिला लिया तो मैं जानता हूँ, और बुद्धि के ज्ञान को नहीं मिला लिया तो कहते मैं जानता नहीं हूँ। पर नहीं जानता हूँ इसमें अभिमान में किंचित मात्र की कमी नहीं आई है। मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, ऐसे घमंड को लेकर देखा जाए तो उसमें भी अहम रहता है, अभिमान में भी अहम रहता है, और अहम है वो अहम रहता ही है। इस अहम से रहित होने पर मुक्ति होती है। ये जल्दी ही साधक के ख्याल में नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान दें, ये मैंपन है एक देशीपन, ये मिटने से निर्मम और निरहंकार। कर्म मार्ग में योग मार्ग में ये है, और भक्ति मार्ग में निर्मम और निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संग योगी सातवा निश्चय, वहाँ भी निर्मम और निरहंकार भक्ति में भी, और ज्ञान मार्ग में भी वहाँ अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसमें भी अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य और निर्ममा, ये अहंता ममता से रहित तब ब्रह्म भूत होता है।
प्रबुद्ध भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम सती समाज सर्वेश भूतेशु वो सर्वभूत आत्मा नाम सर्वभूतानि आत्मा ने ये अनुभव करता है सब जगह समान रूप से सर्वत्र समदर्शन सर्वभूत समाचार सर्वभूतानि से आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन तो संपूर्ण भूतों में अपना स्वरूप है और अपने स्वरूप में सब भूत है सर्वभूतम तुम आत्मान सर्वभूतानि से आत्मनि ये अहम मिटने पर ये अनुभव होता है सर्वभूत स्व आत्मान संपूर्ण भूतों में सत्ता है वो सत्ता आपने है सत्ता स्वरूप है सत है चेतन है ज्ञान है उस सत्ता है ये सब में समान है सर्वभूत स्तम आत्मान सर्वभूतानि से आत्मनि ईश्वर योग युक्त आत्मा योग युक्त बल से योग से ही से उग्र देवता है सर्वत्र समदर्शन यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यशी पांडव हिरण भूषानी अशेष आत्मनि अथो मई पहले आत्मा में देखेगा फिर परमात्मा में देखेगा परमात्मा देखे तो वासुदेव सब हो जाएगा और आत्मा में देखे तो सर्वभूत आत्मा सर्वभूतानि आत्मनि ये होगा तो ये अहम मिटने से होता इसका अनुभव करे तो पहले आवश्यकता है इस आम को पहचाने की ये आम है जैसे नेत्रों से हम देखते हैं तो सामने वृक्ष है थम्बा है उजीगता है इंद्रता से ऐसे ही भीतर के प्रकाश में अहम दिखता है उसको आम का भान होता है आम आम को भान होता है ये संसार प्रतीत होता है और अहम प्रतीत भी होता संसार की तरह थम्बे की तरह वृक्ष की तरह परंतु अहम अहम प्रकाश में भान होता है एक जो ज्ञान है सचित आनंद रूप चेतन रूप ज्ञान रूप उसमें अहम अहम मैं हूँ मैं ऐसा भान होता है वो अहम आपका स्वरूप नहीं है वो प्रकृति है उसको जो देखने वाला वो आपका स्वरूप है अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो सब दुख है सुख स्वस्थ स्वस्थ हो गया स्वयं स्थित हो गया और जब तक स्वयं स्थित नहीं हो तब तक अहम में स्थित है अहम में स्थित है उसको प्रकृतिस्थ कहते हैं पुरुष है सुख दुख खाना भोगने से हेतु स्थित है पुरुष है सुख दुखों के भोगता बनने हेतु है कौन पुरुष है कि पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते प्रकृतिस्थ होता है वो भोगता बना है प्रकृति क्या अहम ये आठ प्रकार की भेदा हुई खंग बनो बुद्धि अहंकार इसी हमें भिन्ना प्रकृतिस्थ था इस अहम में स्थित है वो प्रकृतिस्थ है वो ही भोगता बनता है मान अपमान का सुख दुख का निंदा स्तुति का अनुकूल प्रतिकूलता का भोग भोगता है और सुखी दुखी होता है ये अहम होता है अहम में अपनी स्थिति होने से आप स्वयं सुखी और दुखी होते हैं राजी और नाराज होते हैं तुम्हें राजी और नाराजी मैंपन से होते हैं मैंपन को न पकड़े तो सम दुख सुख सुख दुख में समता हो जाएगी जैसे सुख है वैसे दुख है जैसा दुख है वैसे सुख है जैसा लाभ है वैसी हानि है जैसी हानि है वैसा ही लाभ है जैसा संयोग है वैसा ही वियोग है जैसा वियोग है वैसा ही लाभ है सम हो जाएगी और अहंकार है तब तुम सम नहीं होंगे इसमें फिर संप्रदाय का आम रहता है हम अद्वैतवादी है हम द्वैतवादी है ऐसा विचार रहता है ये द्वैतवादी है भेदवादी है हम अभेदवादी है तो भेदवादी हो से अभेदवादी हो अहम में कमी नहीं है भेदवादी में अहम वैसा ही है अभेदवादी में अहम वैसा ही है
अहम रहित होता है वहाँ ये पक्ष नहीं जैसा, ये संप्रदाय में पक्ष नहीं जैसा, मैं जानता हूँ मुझे जानते नहीं, ये नहीं रहता, मैं तत्वज्ञ हो गया और मुझे ये मूर्ख है अनजान है, ऐसा भेद नहीं रहता। अहंकार ये रहित होते होने पर ये भेद मिट जाता है। तो ये आम का भान सबको होता है, इससे रहित होना है, किसी उपाय से ही हो, जो उपाय आपके मन में आए उसी को आप अपना लो, पद्धति में कोई भेद की कोई इज्जत नहीं है, पद्धति कोई सी हो, किसी पद्धति से वो इस आम से रहित होना है, वो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप में समुख सुख स्वस्थ स्वस्थ तब सुख में सम होगा और प्रकृतिस्थ होगा तो भूते प्रकृति जान गुणान पुरुष प्रकृति से ही प्रकृति जान गुणान भूते प्रतिजन गुणों को भोगता है, कभी अच्छा हूँ कभी मजा हूँ, कभी ठीक हूँ कभी बेठी हूँ, साधन करते थे कभी मन लग गया अच्छा था बड़ी बड़ी शांति मिलती है, आज तो मन नहीं लगा क्या करे, मन भीग गया आज इतने शांति नहीं है, मन लगा नहीं, तो मन न लगने से अशांति, मन लगने से शांति, ये दोनों ही भोगने वाला अहम है, वो अहम की सत्ता से ही ये सुख भोगता होता है। अगर अहम मिट जाए तो ये भोगता बना मिट जाएगा। ये बात है खास। अब इसमें कोई प्रश्न उठता हो तुम्हारा, इस अहम से रहित होना है, जैसे गंतव्य स्थान हो वो पहाड़ पर मंदिर है वहाँ जाना है, इस तरह से साधक के लिए चाहिए कि अहम है इससे रहित होना है। ये खास क्या प्राप्त करना है कि अहम से रहित होना है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः है, अहम से रहित होना है इसको दूर करना है, अहम से रहित अपना स्वरूप है। निरुद्ध स्थिति में निरुद्ध भूमि होती है, निरुद्ध भूमि है, मूल क्षेत्र विक्षेप्त एकाग्र निरुद्ध भूमि है चित्त की, तो निरुद्ध भूमि है योग स्थिति, निरोध है ये निरुद्ध भूमि है, असंप्रज्ञात समाधि होती है इसमें, परंतु असम प्रज्ञात समाधि और व्युत्थान दो अवस्था होती है अहम रहते से, वो अहम रहता है, अहम रहते होने पर दो अवस्था नहीं होती, क्या कहते हैं निरुद्ध अवस्था में अहम रहता है क्या? रहता है, सुषुप्ति में लीन होता है पर रहता अभाव नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध हो गया फिर अहम क्यों रहता है निरुद्ध अवस्था? अंतःकरण शुद्ध हुआ है तो शुद्ध होने से तो समाधि हुई, नहीं तो समाधि कैसे होती? अशुद्ध अवस्था में समाधि नहीं होती, शुद्ध होने से समाधि होती है, पर अहम मिटता नहीं है, अहम के रहते अंतकरण अशुद्ध, अशुद्ध अहम से तो अशुद्ध है ही, तो फिर शुद्ध कैसे हो? शुद्ध तो ये है कि लय है विक्षेप है, 18 दोष है जिसमें 4 दोष खास है, लय है एक विक्षेप है एक रसास्वाद है कषाय है, लय विक्षेप रसास्वाद और कषाय ये 4 दोष है, तो लय नहीं रहे विक्षेप नहीं रहे रसास्वाद नहीं रहे कषाय नहीं रहे तो अंत में शुद्ध हो गया, कषाय मिट गया अंत में शुद्ध हो गया, मतलब कषाय मिटने पर भी अहम रहता है, अंतकरण मेरा मालूम होता है कि नहीं, अंतकरण किसका शुद्ध हुआ? मेरा शुद्ध हो गया, तो मेरा कहने वाला मैं है, उपाय तो पहले मेरी जो प्रार्थना की दीखता तो है ना,
इसे मैं तो पांचों जीवता है, फिर इससे रहित होगा, क्योंकि इसने रहित आपका स्वरूप है, रहित होना नहीं है, रहित हैं आप, इसी सहित तो आपने हमको पकड़ा है, हमको न पकड़ो तो रहित तो सीधा स्वरूप है, निर्गम निरहंकार शांति बढ़िया नारायण 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 शिव सर करो।